तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल PD प्रकाश पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो कि मैंने एक पीछे एक वीडियो बना के डाला था, उस वीडियो के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि मेरा जो पहला जो वीडियो डाला था हाउ टू डाउनलोड द कपिल शर्मा शो, तो उस पर मुझे ना एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है मुझे। तो उसके ऊपर मैं फिर से एक जो टॉपिक है उसी पे मैं बात करने आया हूँ। क्योंकि मैंने देखा था कि मुझे उस वीडियो पे काफ़ी सारा बहुत कुछ मतलब बहुत सारा रिस्पांस मिला था, और उस वीडियो में पे मुझे मतलब करीब करीब 2000 व्यू मुझे मिल गए थे। तो इस वजह से मैं फिर से सोचा कि यार वो वीडियो डिलीट हो गया तो हमारे दर्शक लोग को तो मैं बताना चाहूँगा कि यार आप लोग कैसे फिर से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने सोचा कि यार फिर से वीडियो बना दूँ और फिर से आप लोगों को वीडियो दे दूँ कि कपिल शर्मा शो को आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं या डाउनलोड करके आप कैसे देख सकते हैं, मतलब या फिर आप नहीं वो कंप्यूटर में रख के या मोबाइल में रख के डाउनलोड करके। जैसे कि आजकल आप सब लोग को पता होगा कि आजकल बहुत ऑनलाइन जो हम लोग वीडियो देखने जाते हैं यूट्यूब पे हो या हम सोनी लिव एप्लीकेशन पे ही हो, तो बहुत मतलब एड्स वगैरह आते हैं और कभी कभी नेटवर्क के कमज़ोर होने की वजह से बहुत ही होता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे पिछले वीडियो में, जो कि आप लोग उसको मतलब कपिल शर्मा शो को ऑनलाइन मतलब कि डाउनलोड करके और मोबाइल में या कंप्यूटर में रख के देख सकते थे। पर क्या हुआ कि मुझे यूट्यूब वालों ने उस पर ये एक कॉपीराइट स्ट्राइक ही दे दिया, तो इसके लिए मेरा वो वीडियो भी डिलीट कर दिया गया है और मैंने खुद से डिलीट कर दिया। क्योंकि भैया आपको पता होगा कि स्ट्राइक आने से क्या होता है और कॉपीराइट आने से क्या, तो इसके लिए मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग वो वीडियो अगर देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने उस वीडियो में क्या बताया था और कैसे बताया था। तो मैं फिर से ही बता दूँ कि दोस्तों, मैंने एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जो इसका नाम था वीडियो एडिटर, जो उसका मैं फ़ोटो हो सके तो मैं इधर ये कोने पे अभी डाल देता हूँ, वो दिख रहा होगा आपको अभी। तो इस कोने पे मैंने वो फ़ोटो दिया है, वो ऐप्स है, वो ऐप्स को आप बेसिकली गूगल पे सर्च करके और उधर से मतलब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हो सके तो अभी प्ले स्टोर पर भी आ जाए, बट प्ले स्टोर पर मैंने अभी चेक नहीं किया है, प्ले स्टोर पर हो भी सकता है। तो मैंने बेसिकली जो है मैं गूगल से डाउनलोड किया था। तो फ्रेंड्स, आप लोग कोशिश करें कि गूगल पे देख लें, गूगल पे नहीं हो तो आप प्ले स्टोर पर एक बार चेक कर लीजिए, वैसे गूगल पे उपलब्ध ही है। तो आप लोग कोशिश करें कि उधर से ही मतलब गूगल से ही डाउनलोड करें। तो ये एप्लीकेशन में बस आपको कुछ करना नहीं है, उसके बस इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो ऊपर में जो एक ये आता है उस पर सी ऑल जो रहता है ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करने के बाद उस पर आपको एक सोनी लिव जो सोनी टीवी का जो एप्लीकेशन है, ऐप है सोनी लिव का, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और उस पर जो सारा शो आपको देखना है या डाउनलोड करना है वो आप किसी पे भी क्लिक करके और आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मतलब देख सकते हैं ऑनलाइन भी। तो यही चीज़ मैं इतना ही चीज़ बताया था पिछले वाले वीडियो में, तो मुझे इतना सा ही वीडियो के लिए मुझे कॉपीराइट दे दिया भैया, इसके लिए मैं परेशान हूँ क्यों? मैंने तो सिर्फ एक फ़ोटो शायद से लिया था गूगल से, इसके लिए मुझे कॉपी दे दिया। पर पता नहीं मुझे क्यों मतलब कि यूट्यूब वालों ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दिया, चैनल स्ट्राइक भी आ गया है। तो बस आज के विषय वीडियो में बस इतना ही, मैंने सिर्फ इतना ही बताने का कोशिश किया है कि भैया मेरा एक जो पिछले में वीडियो डाला था हाउ टू डाउनलोड द कपिल शर्मा शो या ऑनलाइन देखने के तरीके, तो वो वीडियो पे मुझे कॉपीराइट दे दिया है। इसके लिए मैंने सोचा कि फिर से आपको कुछ मतलब उसी पे बता दूँ, तो मैं उस तरीके से फिर से नहीं कर रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस पर कॉपीराइट दे दिया था। तो इसके लिए मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मतलब कोशिश करें कि आप लोग गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके और वीडियो एडिटर ऐप डाउनलोड करें, और उधर से आप लोग अगर चाहते हैं कि डाउनलोड करके हम देखें तो आप कर ले, नहीं तो आप अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आपको सोनी लिव एप्लीकेशन मिल जाएगा, उधर से आप लोग बेफिक्र होकर आप कपिल शर्मा शो ऑनलाइन देख सकते हैं।
बस इस वीडियो में बस आज के लिए बस इतना ही कि मैंने इतना ही टॉपिक के बाद करने आया था कि बस आप लोगों को बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ कि मैंने मेरा जो वीडियो है उस पर कॉपीराइट आ गया है। तो फिर से आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो इस पर कर लें। तो भैया बस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ नीचे चैनल का जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उधर क्लिक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में दिए बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो देते रहता हूँ, टेक्निकल वीडियो और ब्लॉग वीडियो, म्यूजिक से रिलेटेड भी वीडियो मैं बताते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने